नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूर्वी जिले के डीएसपी टीम ने नागौरी गेट थाना अंतर्गत उदय मंदिर आसन में कर्नल साहब की हवेली के पास मकान में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। नागौरी गेट थाना अधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि आईपीएल में चल रहे चेन्नई सुपर किंग्स व दिल्ली कैपिटल्स मैच पर सट्टा बुक कर रहे आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर में कोडम देसर स्थित कानासर वित्रिका में पूजन और हवन सामग्री का विसर्जन करने गए परिवार के साथ हादसा हो गया। नहाने उतरा बालक पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए चार लोग कूदे, लेकिन दो जनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे को बचा लिया गया है। गंगा शहर की ओर से जाने वाली रोड पर नर्सिंग होम के सामने रहने वाले सुमेर मल वर्मा के घर पर शुक्रवार को दिन में पूजन था। पूजन हवन सामग्री का विसर्जन करने राहुल वर्मा, गिरीश वर्मा, इनके मौसी का लड़का कुलदीप मारू, मौसी का पोता आर्यन के अलावा कपिल, युवराज और राजीव कोडम देसर पुलिया के पास कावनी माइनर पर गए थे। इस दौरान 11 वर्षीय आर्यन का नहर में पैर फिसल गया। जोधपुर संभाग में शनिवार को अधिकांश हिस्सों में आसमान पर बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन में बादलों की आवाजाही के कारण नमी बढ़ने से उमस भरा मौसम रहा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून वापसी के लिए थार में लगातार अनुकूल परिस्थिति बन रही है। विभाग दो दिन के बाद आधिकारिक तौर पर मानसून लौटने की घोषणा कर सकता है। शनिवार को सुबह जोधपुर में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव सहित आला अधिकारियों ने कोरोना के प्रति जन जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान आम जन से कोविड गाइडलाइन की पालना करने और लॉकडाउन में सहभागिता निभाने का आह्वान किया गया। बीकानेर शहर में बिजली आपूर्ति में व्यापक स्तर पर सुधार के लिए BKESL ने करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नतीजन शहर में बिजली की औसत आपूर्ति की उपलब्धता अब 23 घंटे से अधिक पहुँच गई है। BKESL के CEO शांतनु भट्टाचार्य ने बताया कि शहर में व्यक्तिगत शिकायतों के लिए बिजली आपूर्ति की बहाली का समय अब 63 मिनट हो गया है। इसमें शिकायतों में 29% तक की कमी आई है। रतन बिहारी पार्क कोठी 131, मनवीर चौक, पालना रोड, दादाबड़ और आसपास के क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिए 33 व 11 KV की 10 फीडरों की लंबाई कम करने का काम किया गया है। बीकानेर में 10 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 231 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DT में रनिंग का काम शुरू किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के चलाए जा रहे फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन दौड़ लगाई जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि जोधपुर रेल मंडल पर 3900 प्रतिभागियों द्वारा 20,435 किलोमीटर की दौड़ लगाई जा चुकी है। बॉलीवुड में चल रहे अवैध ड्रग्स मामले को लेकर गोरखपुर में सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत में अस्वच्छ बॉलीवुड का कोई काम नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को चोखा रामराज नगर के समीप हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सभागार में सुबह 9 बजे मनाई जाएगी। इस दौरान संभागीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित होगा। संभागीय आयुक्त ने आज OTS सम्मेलन स्थल का अवलोकन किया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की ओर से सेवा कार्यों का दौर अभी भी जारी है। क्लब की ओर से मथुरा दास माथुर अस्पताल प्रशासन को कोरोना बीमारी से जुड़े अनेक उपकरण भेंट किए गए। अधीक्षक डॉक्टर M.K. आसेरी को प्लस ऑक्सीमीटर, मरीज के तापमान की जानकारी के लिए थर्मोस्कैनर तथा 1 लीटर की 2590 पानी की बोतलें भेंट की गई। राज एयर स्क्वाड्रन NCC के अधीन संचालित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के NCC केयरटेकर राजू राम बामनिया ने ताम्रपुरम चेन्नई स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित प्री कमीशन कोर्स को पूरा कर लिया। वे एसोसिएट NCC अधिकारी बने। कोरोना महामारी के मद्देनजर मथुरादास माथुर अस्पताल में MRI के लिए आने वाले मरीजों को अब घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा दी गई है। MDMH में MRI करवाने वाली एजेंसी के व्यवस्थापक ने बताया कि COVID-19 के चलते जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है। इसी के तहत रियायती व सरकारी दर पर होने वाली MRI के लिए मरीज WhatsApp व मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ समय भी बुक करवा सकेंगे। जोधपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आदेश के तहत प्रबंध निदेशक राजस्थान वित्त निगम,
जयपुर कैलाश चंद्र वर्मा को प्रवेशक नियुक्त किया गया है। वर्मा को आऊ, बावड़ी, चामू, देचू, लोहावट, मंडोर, कैरू, फलोदी, सोखला पंचायत समितियां आवंटित की गई है। अंतरप्रांतीय कुमार साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 2020 के लिए हिंदी के युवा साहित्यकारों से डॉक्टर राम प्रसाद दादी साहित्य सम्मान के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। इस बार यह सम्मान साहित्य की किसी भी उत्कृष्ट विधा की कृति पर दिया जाएगा। इस सम्मान के लिए राजस्थान के साहित्यकार पात्र होंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वायत्त शासी संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा हिंदी पखवाड़े के आयोजन के तहत राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला युवक समन्वयक वर्ग में जोधपुर के राजेश चौधरी प्रथम व चित्तौड़गढ़ की संतोष चौहान द्वितीय रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।